भैन के टोटो साले ये रिकॉर्ड कर ले मादर चौथ झूठ की दुकान। आज के वीडियो का रेडियो पटना है 93.5 रेड एफएम इज वेरी हॉट और ऐसे आज वीडियो भी हॉट होगा। नमस्कार, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो डॉगीज लाइफ। डॉगीज लाइफ आपके साथ है और सच के साथ है और डॉगीज लाइफ हमेशा आपके साथ रहा है और रहेगा। और आज बात करते हैं झूठ की दुकान गटर छाप इंसान की। एक गटर छाप इंसान का मुंह से गटर का बास ही आता है, कोई फूल का बास नहीं आता है। ये 100% जेन्युइन बात है, ये आप सभी को मालूम है क्योंकि हमने सबसे पहले वो झूठ का दुकान उनका जो सच्चाई है वो आपके सामने हम रख दिए। क्या क्या सच्चाई? उसका एफिलेटेड मार्केटिंग, बीडर से पैसा लेना और यही नहीं, जो आपका फ्रॉड बीडर है उसको प्रमोट करना एंड उसका प्रोडक्ट को भी प्रमोट करना। इतना सारा बात, इतने सारे जो राज की बात है ये आपके सामने आ गया। इसके वजह से वो झूठ का दुकानदारी बंद होते जा रहा है, ये आम बात है। क्योंकि जो सच्चाई नहीं है, जो सच नहीं है, उसका प्रोडक्ट बोलिए, उसका दुकानदारी बोलिए, चाहे उसका कुछ भी बोलिए, ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होता है। ये चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरह है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो मिट गया, यही बात है। तो यही मुद्दे पे उसको आ रहा है गुस्सा और ये गुस्सा मेरे ऊपर निकल रहा है। ये तो थोड़ा सा क्लिपिंग आपने सुने हैं उसका गाली गलौज का और पूरा क्लिपिंग आप सुनिएगा वीडियो का एंड में। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि रेडियो मिर्ची की तरह ये वीडियो भी हॉट है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे तो मेन जो मुद्दे है वो मुद्दे पे हम लोग चलते हैं। ये एफिलेटेड मार्केटिंग क्या होता है भाई? एफिलेटेड मार्केटिंग होता है जो एक खुद जेन्युइन प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करना जिससे कोई आम आदमी का कोई नुकसान ना पहुंचे, यही होता है आपका एफिलेटेड मार्केटिंग। और जिस प्रोडक्ट का कोई लैब टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं है, जिसका कोई लाइसेंस नहीं है, जिसका कोई सर्टिफाइड नहीं है, जिसका कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो कंपनी का प्रोडक्ट ये प्रमोट कर रहा है। और ये प्रोडक्ट का जो मालिक है वो है आपका सिकंदर सिंह ठाकुर, फ्रॉड ब्रीडर बोलना उसका मतलब खराब होगा, वो पापी मिलर है, फ्रॉड पापी मिलर उसका प्रोडक्ट सेल कर रहा है। क्यों? उसको ही पता है, मिल गया। और यही नहीं है उसका तो क्या बोलो, आपका जो पापी सेल करता है वो उसका बंद हो गया। अभी ये जो झूठ के दुकान के ऊपर बेस करके ये दूसरा प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, ये जाहिर सा बात है। और यही बात हम आपके सामने लाए थे और ये इसके वजह से ही उनका तकलीफ शुरू हो गया। और सिर्फ यही नहीं है, मिस्टर सिकंदर सिंह का वीडियो डाउन करने के लिए ये आपका स्कूबर चैनल हमको बहुत बार फ़ोन किए, नॉट ओनली थ्रेटनिंग कॉल वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। थ्रेटनिंग कॉल, ठीक है, ऐसा थ्रेटनिंग कॉल जो आप सुन के हैरान हो जाइएगा, एक यूट्यूबर कैसे ऐसा बात बोल सकता है, क्योंकि वो ब्रोकरी करते हैं, ये यूट्यूबर ब्रोकरी करते हैं, ये दलाल है, ये दल्ले है, ठीक है। आप कुत्ते का दलाली ना करके लड़कियों का दलाली करो, ठीक है, आपको यही शोभा देता है। और आप बातों पे मेरा मदर को उठा के, मेरा घर का बहन बेटी को उठा के बात करते हो, आपका कितने बड़े लैंड है,
आपका तो मुंह, तो आपका मुंह में तो हम चूना लगा दिए, ठीक है, आपका लंड भी हम साला काट देंगे, ठीक है। और एक बात हम आपको बोल दे रहा हूं, आप ठीक तरह से मेरे साथ बर्ताव कीजिए, ठीक है, और गाली गलौज भूल करके भी ना कीजिए, क्योंकि गाली गलौज करना हमको भी आता है, ठीक है। और तू जिससे ये गाली गलौज सीखे है उसको हम ट्रेनिंग देता था, समझे, चुतिया इंसान, गाली गलौज से बात भूल करके भी ना करना हमसे। और डीएम डीएम मीएम का जो धमकी तू देता है ना, मेरा बाल उखड़ के दिखा दे, और मेरा दोस्त का भी बाल उखड़ के एक तो दिखा दे, ठीक है, अगर एक बाप का औलाद है, बाल उखड़ के दिखा दे, ठीक है, तेरा गुलामी करेंगे चुतिया, कहीं के बात करने की तुमको तमीज नहीं है, तुम यूट्यूबर बनने चला। हाँ, और जो सच है वही हमने बोले आपके आपके बारे में, आप क्या हो, आप क्या चीज हो, स्कूबा आ जाएगा, स्कूबा आ जाएगा, साला क्या है रे तू, तेरा औकात क्या है, जाहिल आदमी, पढ़ाई लिखाई कितना दूर किए है, बात करते हैं तुम। और कलकत्ता में बहुत सारा जो अच्छे ब्रीडर है तो भाई ठीक है, लेकिन जो गलत ब्रीडर है, जिसके पास साला कोई कैनल नहीं है, उसको भी ब्रीडर बना दिए, ये महान इंसान, उसको भी ब्रीडर बना दिए, जो घर में ब्रीडिंग करते हैं वो आदमी को ब्रीडर बना दिए, साला पापी मिलर है वो, सभी जानते हैं, सभी जानते हैं, कलकत्ता का कुछ ऐसा ब्रीडरों का वीडियो डाले हैं, वो पापी मिलर है, वो ब्रीडर नहीं है, ना कोई उसका कैनल है, कैनल का तो रजिस्ट्रेशन ले लिए, कैनल का रजिस्ट्रेशन ले लिए, लेकिन उसका कैनल नहीं है, पापी मिलर है। और एक वीडियो आपने रिसेंटली देखे होंगे मेरा चैनल पे, जो कन्ना में हुए है, उसका और कन्ना में आएंगे बहुत जल्द। और यही बातों से, सच्चाई से डर के हमको वो आपका गाली दे रहा है, नॉट ओनली हमको, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे जो ब्रीडर है, जो सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं, उसको भी ये गाली दे रहा है, उसका चैनल से हम ये आपको दबे के साथ बोल रहा हूँ, एक जो अच्छे ब्रीडर है उसका वीडियो डाउन करने के लिए दे बोल दिए, डाउन मतलब प्राइवेट करने के लिए बोल दिए है, और वो डिलीट भी करने के लिए बोले है, लेकिन डिलीट अभी तक ये चेक किए नहीं है। आप जाके एक बार देख लीजिएगा उसका स्कूबर का जो चैनल प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जो रॉटविलर चैनल है, वहाँ पे कुछ वीडियो प्राइवेट किया हुआ है, ये तो सिर्फ शुरुआत हुआ है, आगे और भी ऐसा होगा, यकीन मानिए ऐसा और आगे होगा, एक ब्रीडर से शुरुआत हुआ है, जो सच्चा आदमी है, जो सच्चे ब्रीडर है, वो कभी भी कोई भी झूठे मक्कार आदमी से के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि उसका रेपुटेशन का मैटर है, कोई अच्छा ब्रीडर ये फ्रॉड यूट्यूबर के साथ क्यों रहेगा, और क्यों उसका वीडियो उसका चैनल पे देगा, कोई जस्टिफिकेशन है नहीं है, क्योंकि सच जो है सबका सामने एक ना एक दिन आएगा, सच्चाई से कोई मतलब छुपा नहीं सकते हो, सच्चाई सामने आता ही है, और यही है इसका सच्चाई, जो अच्छे ब्रीडर है आहिस्ता आहिस्ता इसका मुंह पे दरवाजा बंद कर रहा है, यकीन मानिए ये एकदम 100% करेक्ट न्यूज है, जो अच्छे अच्छे ब्रीडर है इसका मुंह के ऊपर दरवाजा बंद कर रहे हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत हुआ है, आगे आगे आप देखिएगा कितने सारे ब्रीडर का वीडियो इसको प्राइवेट करना होगा, वो बहुत जल्द दिन आने वाला है, एक शुरुआत किए हैं, आगे और भी ऐसा होगा। और बात करते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग और प्रोमोशन, अरे प्रोमोशन क्या होता है, प्रोमोशन का नाम पे तुम बेवकूफ बनाते हो ब्रीडर को, बेवकूफ बनाना बंद करो, बेवकूफ बनाना बंद करो, सभी भाई पढ़े लिखे हैं और घास फूस नहीं खाता है, और गिव अवे आदमी से आप मजदूरी कराते हो, और
फ्रेंड यही नहीं है, इसका 77, 72, 80 मेरा खास सूत्रों से ये इंफॉर्मेशन एकदम 100% है। इसका 72, 80 इसका खुद का यूट्यूब में आईडी है, वो आईडी से ये खुद ही कमेंट करते हैं इसका वीडियो में। यकीन मानिए ये बात 100% करेक्ट है, ये खुद ही कमेंट करते हैं 70, 70 आईडी से, ये खुद ही कमेंट करते हैं, कोई साइल वाइल नहीं है। और आपको जो गाली देता है ये खुद ही वही देता है, कोई साहिल नहीं है, सब वही है, समझे? यही है इसका सच्चाई, क्योंकि इसका मुंह पे जो सफेद नकाब था वो हमने उतर के फेंक दिए आपके सामने, इसका जो सच्चाई का नकाब हम उतर के फेंक दिए, इसके वजह से ये चिर गया है। क्योंकि सच्चाई बर्दाश्त सबको नहीं होता है भाई, यही है भाई इसका हकीकत। और ऐसे करप्ट यूट्यूबर गंदगी मचा सकते हैं और कुछ नहीं। और इसका जो वीडियो है, इसका वीडियो देख के और कितने आदमी फ्रॉड का शिकार होंगे ये भी पता नहीं है। जो जो पापी मिलर का चैनल का वीडियो डाल के रखा है, उसके वजह से कितने आदमी का सब कुछ लूट गया, लेकिन इससे उसका कुछ मन नहीं भरा, और भी लूटना है पब्लिक से। क्यों? क्योंकि भाई कमीशन का सेटिंग है, कमीशन का सेटिंग है। अभी ये दिल्ली का जो एक ब्रीडर है उसका पापी सेल कर रहा है मोटे कमीशन पे। ये जो मोटे कमीशन पे, ये जो कुछ दिन पहले डॉगीज वॉल का एक तो मैटर आया था, उसी टाइम वो बहुत अच्छे तरह से समझ गए। एक जो मैडम थी उसको उन्होंने पापी सेल किए, यही उसका काम है, यही उसका काम है। और सच्चाई सुनने पे गाली देते हैं, और भाई गाली ना दियो, ठीक है? हमको भी देना आता है, और हम जब स्टार्ट करेंगे भाई आपको बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है? और तू बोल रहा है ना घर पकड़ के ले जाएगा, पकड़ के ये वो करेगा, एक बाप का है मेरा तो बाल उखड़ के दिखा दे, अगर एक बाप का है बाल उखड़ के दिखा दे, मेरा और जो दोस्त का नाम लिए है उसका बाल उखड़ के दिखा दे, एक बाप का है तो हम ये सामने बोल रहा हूं, तेरा घर में घुस के मारेंगे, ठीक है? घर में घुस के मारेंगे, ये भी बोल दे रहा हूं, मेरा बाल एक तो हाथ लगा के दिखा दे। और फ्रेंड ये गलत आदमी का सपोर्ट आप मत कीजिए, क्योंकि एक गलत के आप अगर साथ दोगे तो ना जाने आप कितने मतलब गलती का भागीदार बन जाओगे। एक तो ठंडे दिमाग से सोच लेना, और अगर मेरा बात बुरा लगे तो भाई आप गाली गलौज करना हमको मंजूर है, हम गाली खा लेगा, लेकिन जो सच है वही आपके सामने हम लाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। सच कभी छुपा हुआ नहीं रहेगा, डॉगीज लाइफ पे आप सच ही सुनोगे और सच ही हम बोलेंगे। फ्रेंड ये यूट्यूब एक तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म से आपको अच्छे जानकारी मिल सकता है, आपको अच्छा नॉलेज गेन आप कर सकते हो, ऐसा एक तो अच्छा प्लेटफॉर्म का गलत मतलब प्रयोग करके कुछ कुछ नहीं भाई, ये सब टाइप का ब्रीडर बोलिए, ये सब टाइप का यूट्यूबर बोलिए, आदमी को लूट रहा है, आदमी को लूट रहा है, ये बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। और जी मतलब जिसको भी कोई भी ब्रीडर्स बोलिए, कोई भी मतलब पापी मिलर बोलिए, किसी से भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है आप हम डॉगीज लाइफ से संपर्क कीजिए, फेसबुक पे
पेज जो है वहाँ पे मैसेज करके, नहीं तो इंस्टाग्राम में मैसेज करिए विथ योर फ़ोन नंबर, हम आपके जो परेशानी है जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मेन जो बात है, ये मेरा जो चैनल है, मेरा जो पहले जो वीडियो डाले हुए है वो कुछ वीडियो से ये लोग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये वीडियो डाउन करने के लिए बहुत धमकी मिला है हमको, ठीक है, ये भी दिए है, ये स्कूबर वाले भी दिए है, ठीक है, ये स्कूबर वाले भी दिए है। ये बात बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाइएगा, आपके सामने लाएंगे, कोई भी बात छुपा हुआ नहीं रहेगा, सब कुछ आपके सामने लाएंगे बहुत जल्द। और जो इनका जो ब्रीडर है उसका भी आप वीडियो बहुत जल्द देख पाइएगा, बहुत जल्द। डॉग इज लाइव हवा पे बात नहीं करता, डॉग इज लाइव प्रूफ के साथ बात करता है। देखते रहिएगा डॉग इज लाइव और जुड़ा रहिएगा डॉग इज लाइव के साथ, क्योंकि डॉग इज लाइव सच के साथ है और आपके साथ है। और ये जो महान इंसान है इसका वॉइस भी आप सुनिएगा। नमस्कार, जय हिंद। तेरी बहन के छोटू साले ये रिकॉर्ड कर ले, मादर चौथ झूठ की दुकान फोन काट ली तेरी बहन का तोरे साले, और वीडियो तेरी बहन को छोटू ये ही बनाना साले रिकॉर्डिंग में, बहन के ते अपने बाप को दिखाता तू चौथ ना, कौन सा कमीशन खा रहे हम किसी ब्रीडर से, तू बहन के लोटे झूठ बोलता रहे हम सुनते रहेंगे क्या, बोलना अब तेरी मुंह में क्या लॉलीपॉप चला गया, बहन के लोड़े हम फ्री में 1 रुपया भी प्रूव करते किसी ब्रीडर से लिया, बहन के लोड़े कि हम भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तेरे नंबर के साथ लाइव आके, बहन के लोड़े तेरी मां छोड़ेंगे, बहन का लोड़ा रिकॉर्ड करके रखना, बहन चोद और गोश्त के पैसे मिल रहे तेरी को मां चुत रही है, बहन का लोड़ा कस्टमर के साथ घंटा हो तुम टीमी टोर, बहन के लोड़े तूने टीमी टोर प्रमोट किया, बहन के लोड़े पहले तूने देखा उसका फ्रॉड आया वो भी प्रमोट किया, फिर उसका टीमी टोर चैनल भी प्रमोट किया, हम भी वैसे प्रमोट कर रहे हैं, क्या कमीशन सेट कर रहे हैं 300 ब्रीडर के साथ, कैसे कमीशन सेट हो गई बता ना तू, अब बहन के लोड़े गुंडा क्यों बन गया, फोन तो नहीं कट गया यार अपनी मां चुके देख रहा है, बहन के लोड़ा ये रिकॉर्डिंग ना अपने चैनल पे डाल दियो, कार्तिक कैसे मां चोटा लोगी, बहन का लोड़ा साला जब मुंह उठाता बहन का लोड़ा मुंह साफ करके सारे अपना पेट तक तो दिखा दे, रोस्टिंग सीखनी है मादर चोत ने, सारे व्यूज के लिए कुछ भी बोलेगा तू, अपनी बहन भी लंगी करके चार दे वीडियो उधर और बहन के लोड़े नाम पैसे लेते हैं, नाम बहन चोट किसी को प्रमोट करते हैं, वीडियो कंटेंट बनाते हैं जैसा तू बना रहा है, अगर मैं गलत हूँ तो तू भी उतना गलत है, जुगनू खान का केस तूने भी वीडियो चैनल प्रमोट किया।